हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये एक पार्टी का घर पर मैं टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आया हूँ और आप देख सकते हो ये जो प्रॉब्लम टीवी ऑन करने के बाद ये रेनबो टाइप प्रॉब्लम देखा जाता है और बहुत ही धुआं धुआं जैसा पिक्चर भी नहीं आता है, ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। तो क्या लगता है इसका प्रॉब्लम कौन सेक्शन से हो सकता है? तो दोस्तों, न्यू टेक्नीशियन होगा तो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, पूरा अलग सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा पार्टी के घर पर ही। तो चलिए, ई टीवी का मैं बैक कवर ओपन करके आपको दिखाता हूँ इसका अंदर क्या है और कौन पार्ट्स प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए, ई टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया, ठीक है, और ये जो पीसीबी, ये पूरा फिटिंग सब देख रहे हो और इसका जो बेस है देखिए न्यू जैसा लग रहा है। तो एक्चुअली ये न्यू बेस नहीं है, 2 मास ये हो गया, तो ये बेस से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और कौन सेक्शन से प्रॉब्लम हो सकता है? तो दोस्तों ये बेस ओपन करके ही आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन का पूरा अलग नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेस तो न्यू जैसे ये दिखा जाता है, तो तब भी ये बेस को ही एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंदर जो फोकसिंग पिन का अंदर सल्फर जो आ जाता है, सल्फर के वजह इस तरह प्रॉब्लम होता है। लेकिन बेस प्रॉब्लम होगा तो अधिक टाइम ऑन करके रखने के बाद ये धीरे से क्लियर हो जाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है। और ये जो पीएफ आप देख रहे हो, ये पीएफ प्रॉब्लम से भी हो सकता है, ठीक है। ये 2 KV का पीएफ है। तो दोस्तों ये जो रेनबो टाइप प्रॉब्लम, ये जो वर्टिकल आईसी देख रहे हो, ये वर्टिकल आईसी से भी हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट ये बेस को एक बार चेंज करके आपको दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, ये सेम टाइम मेरा पास एक बेस है और ये पुराना वाला बेस है, ठीक है। और ये बेस ओपन करने का तरीका अलग है। तो एक हाथ से आपको ये जो वायर का पास एक पिन देखा जाता है, वो पिन को आपको पुश करना पड़ेगा और एक हाथ से वायर को आपको खींचना पड़ेगा। लेकिन मैं एक हाथ से ही करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो वायर ओपन हो गया और ये जो बेस का अंदर जो फोकसिंग पिन है, सॉरी G2 का पिन है, देखिए ये जो रेड वाला पॉइंट आप जो देख रहे हैं, जो पिन है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा और एक हाथ से वायर को खींचना पड़ेगा, तो आसानी से ओपन हो जाएगा। तब भी मैं एक हाथ से आपको करके दिखाया, ठीक है। ये पुराना बेस मैं साइड काट देता हूँ और उसके बाद ये जो न्यू बेस है, देखिए ये न्यू बेस को मैं कनेक्ट करके देखूँगा। और ये कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, सिर्फ इस तरह आपको इसका अंदर करेगा तो ये इसका अंदर जो क्लिप है वो क्या बात होगा आपको, वो फिटिंग्स हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पिन को मैं इस तरह करके आपको ये बेस को फिटिंग्स कर देता हूँ, ठीक है। और ये वायर लगाने के बाद आपको सोल्डरिंग करके देखना पड़ेगा और मैं एक हाथ से कैमरा काटता हूँ और एक हाथ से ये सोल्डरिंग करना बहुत टफ, तो इसलिए मैं ये पीसीबी को सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगा। और ये बेस को अच्छा करके भी एक बार देखना पड़ेगा, कुछ भी टूटा फूटा पार्ट्स नहीं है तो, ठीक है। तो लगता है ये बेस सब कुछ ओके है। तो चलिए मैं बेस कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, फाइनली बेस को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद आपको सप्लाई दे के एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये इसका पुराना बेस है, ये मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। क्या रिजल्ट आता है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैं भी देख लेगा और आप भी देख लीजिए, ठीक है। मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो सप्लाई दे दिया, तो चलिए मैं टीवी का सामने लेके आपको दिखाता हूँ। अब स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, देखिए स्क्रीन का अंदर रिट्रेस लाइन आ गया। तो दोस्तों ये कौन सा फॉल्ट है? तो लगता है ESD को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ESD को एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एडजस्ट करने के बाद ओके होगा तो तब भी बहुत अच्छा बात है, और नहीं होगा तो कौन सा और प्रॉब्लम हो सकता है ये भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं मोबाइल लाइट से ही काटता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ESD को थोड़ा सा मैं डाउन करके दिखाता हूँ। देखिए डाउन करने के बाद इसका लाइट ये 0 नहीं होता है, तब भी ब्लू रिट्रेस देखा जाता है, ठीक है। मैं ESD फोकसिंग पिन को मैं पूरा डाउन कर दिया और हाई भी करके आपको दिखाता हूँ, तो कुछ भी इसका अंदर फर्क नहीं आता है, सिर्फ लाइट ये बढ़ जाता है, ये देखा जाता है। तो आपको अच्छा करके और दिखाता हूँ। देखिए मैं पूरा डाउन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर फॉलो कीजिए, देखिए लाइट ये 0 नहीं हो रहा है और रिट्रेस लाइन है, तो पिक्चर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका अंदर और एक फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट कौन सेक्शन से हो सकता है, ठीक है। मैं भी 2-4 बार अच्छा करके घुमा के मैं देख लेता हूँ। तो ये करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? दोस्तों देखिए, आपको और अच्छा करने के लिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ये जो पिन है, ये कैथोड पिन है, ठीक है। और इसका नीचे ये ग्राउंड का पिन है, ठीक है। ये कैथोड पिन का नीचे 2 नंबर ये कैथोड पिन है और नीचे इसका
ग्राउंड पिन है, और उसके बाद ये दो फिलामेंट पिन है, और ये G2 का पिन है, ठीक है। और उसका बाद अलग कैथोड पिन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पिन का आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक एक पिन को वोल्टेज चेक किया, और वोल्टेज चेक करने के बाद जो मिला है, तो ये जो नेगेटिव पिन है, नेगेटिव पिन का ऊपर जो दो नंबर पिन है, ठीक है, ये जो नेगेटिव पिन, ये पिन का साथ कैथोड पिन शॉर्ट हो गया। आपको मीटर लेके दिखाता हूँ, देखिए ये नेगेटिव पिन है, ठीक है। और उसका ऊपर जो दो नंबर पिन है, ये कैथोड पिन है, ये पूरा ही शॉर्ट हो गया। अब देखिए मैं मीटर लेकर आपको दिखाता हूँ, आप मीटर पर फॉलो कीजिए। ये दो नंबर पिन शॉर्ट हो गया, तो इसका रीजन क्या है, तो देखिए शॉर्ट हो गया। तो ये शॉर्ट के वजह वो कैथोड पिन का वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाएगा, तो उस तरह वो रिक्टस लाइन प्रॉब्लम आ जाएगा, और लाइट भी अधिक दिखा जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो बेस है, बेस का ये जो नेगेटिव पिन, अब देखिए ये नेगेटिव पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है, नेगेटिव पिन को ओपन कर दिया, और ये पिन को पूरा बाहर कर दिया, ठीक है, ये कनेक्शन पूरा आउट कर दिया। करने के बाद आपको डायरेक्ट लाइन देख ही दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो इसकी मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को पूरा एक अलग नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि अधिक बहुत पिक्चर ट्यूब के अंदर ये जो कैथोड पिन है दो नंबर, और दो नंबर पिन का साथ एक नंबर पिन शॉर्टिंग देखा जाता है, और कुछ कुछ बेस का पिन भी वो शॉर्टिंग देखा जाता है। तो इसलिए इस तरह प्रॉब्लम न्यू बेस लगाने का समय वो देखा जाता है। तो चलिए आपका सामने मैं लाइन देखे, सप्लाई देखे, एक बार दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये वाइटल खूब पॉइंट है, तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। और ये मैं पार्टी के घर पर ही काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और देखिए मैं टीवी को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ कि ये पोजीशन बहुत शॉर्ट है। दोस्तों देखिए इसका अंदर लाइट नहीं है, लाइट नहीं आ रहा है इस टाइम। तो ऐसा ही होता है जब ओके हो जाएगा, और मैं आपको फास्ट देखा है ESD फोकसिंग पिन को पूरा डाउन करके, तो इसी टाइम ये फोकसिंग पिन को थोड़ा और हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ESD पिन को थोड़ा सा मैं हाई करके आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, लाइट आता है कि नहीं, ठीक है, और रिक्टस लाइनों चला जाता है कि नहीं। देखिए मैं थोड़ा हाई कर दिया, और इसका लाइट देखिए ये आ गया, तो ये लाइट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसका AV2 लेखा भी आ गया, तो थोड़ा सा और धीरे धीरे मैं लाइट फोकसिंग पिन को बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका ग्रीन AV लेखा ये पूरा कंप्लीट आ गया, तो लगता है ये पूरा रेडी हो गया। तो चलिए मैं पूरा फिटिंग्स करके सब कुछ रेडी करके आपको एक बार दिखाऊँगा, पिक्चर सब कुछ देखे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए मैं पूरा रेडी किया, और रेडी करने के बाद देखिए इसका सेटअप बॉक्स सब कुछ लाइन मैं दे दिया, और देने के बाद आपको वीडियो लाइन देके भी देखूंगा। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो, तो आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल लिंक और टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है, ठीक है। तो वो चैनल को, टेलीग्राम चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, और जो टेलीग्राम ग्रुप मैं बना के रखा है वो सब कुछ बिल्कुल फ्री में, आप वो ग्रुप पर आपके अपना अपना आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक इंस्टाग्राम बनाया, इंस्टाग्राम पर आप भी आ सकते हो, ठीक है, उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है, और मैं कुछ अलग वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और क्या बताऊँगा आपको, अब नया है तो प्लीज़ ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह मैं नया नया फॉल्ट आपका सामने लेके आऊँगा।